हेलो दोस्तों, तो पहला व्लॉग सॉरी सो पहला मोटो व्लॉग अपनी इस सुपर मिटियोर पे। एज यू नो दोस्तों, हमने नई नई ये बाइक ली है, तो इससे पहले इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आए, मैंने सोचा है इसके ऊपर लेमिनेशन करवा देता हूँ, लेमिनेशन या पीपीओ जो भी करवाऊंगा, राइट, ताकि यार थोड़े बहुत जो माइनर स्क्रैचेज होते हैं ना उससे तो बच जाए, मतलब काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन हो जाती है उससे। मैं हर बाइक पर करा दूँ, अपनी मिटियोर 350 भी कराया था मैंने, और उसकी वजह से ना भाई बाइक बिल्कुल नई रहती है, मतलब जब भी आप उसको उतारोगे 6 महीने 1 साल बाद बाइक आपकी बिल्कुल नई रहेगी। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल हूँ ऑन द वे टू करोल बाग एंड हम जा रहे हैं वहाँ पर से लेमिनेशन करवाने के लिए। एंड यार क्या मज़ा आ रहा है इस बाइक को चलाने में, मतलब जिन्होंने भी बुक करी है ना भाई आपको रिग्रेट नहीं होगा, मतलब जब आप पहली बार इसको चलाओगे ना भाई मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, इसे कहते हैं मज़ा। और इसकी जो आवाज़ है भाई मतलब बिल्कुल जेट इंजन वाली यार, पिकअप और पिकअप देखो भाई, पिकअप मतलब देख लो इसकी टांग छूटते के साथ ही जाती है, तो यार मज़ा आता भाई चलाने में इसको। एंड मैं घर से निकला यार, मैंने घर से स्टार्ट नहीं करा ब्लॉक, मैंने बीच में स्टार्ट करा क्योंकि इतना मज़ा आता है ना चलाने में, मैं सोचा यार बाद में कर लेंगे, बात करते करते यार काफ़ी आगे निकल आया हूँ एंड आई थिंक करोल बाग भी अब ऑलमोस्ट आ ही गया है। एंड यार जिस प्राइस पॉइंट पर ये बाइक आती है ना उसके हिसाब से भाई मतलब बाइक पूरी वर्थ है यार, पूरी वर्थ है, मज़ा आ जाता भाई चलाने में इसको। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसको इसकी डिलीवरी ली थी एंड तब से मैंने चलाई नहीं यार, क्योंकि बैग वैग लगता है ना और मतलब यार उस पर ना स्क्रैचेज आ जाते हैं, तो मैंने सोचा एक बार पहले रैपिंग करा लेते हैं और उसके बाद फिर चलाएंगे आराम से। तो अभी फिर कराते हैं रैपिंग इसके ऊपर। ओ भाई क्या पावर, मतलब खींच रही है बाइक भाई, क्या पुल दे रही है यार, एक्सीलेटर हल्का सा देते पुल, मतलब छठा गियर तो मैं मार ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे कहीं। और हम ऑलमोस्ट जहाँ तक है आ गए हैं करोल बाग और ये आ गए हमारे बजरंगबली। तो जय हो बजरंगबली, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों पहली चीज़ जो मैंने दुखदाई फील करी है वो है हीटिंग। सो मैं समर्स में बाइक चला रहा हूँ ऑफकोर्स राइट नाउ, क्योंकि दिल्ली में भी गर्मी पड़ती है, लेकिन देखो यार मेरे लैग और इंजन में ज़्यादा कह सकते हैं फासला नहीं है, और उसकी वजह से यार जब मैं बाइक को रोकता हूँ ना तो यहाँ पे भाई बहुत तगड़ी हीट फील होती है। तो भैया पहला डाउनसाइड तो ये है बाइक का, आगे आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या है। तो दोस्तों घूम फिर के हम आ गए हैं अपनी बाइक की रैपिंग कराने। यश कंप्यूटर ग्राफिक ओके। तो दोस्तों हम फाइनली आ गए हैं यश कंप्यूटर ग्राफिक पे अपनी बाइक पे लेमिनेशन कराने के लिए, और लेमिनेशन का प्रोसेस हो गया स्टार्ट। तो अभी देख सकते हो भैया यहाँ पे लेमिनेशन कर रहे हैं भाई। तो हमारी बाइक की लेमिनेशन ऑलमोस्ट हो गई है डन, और ये है 3 लेयर वाली लेमिनेशन। तो लेमिनेशन करके उसके ऊपर की जो ये लेयर है वो निकालते हैं, तो भाई बहुत ही ग्लॉसी फिनिश आते हुए दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये वाली लेयर हट जाएगी और ये चमक जाएगी, देखो भैया हटा रहे हैं, ये हो गई पूरी बाइक नई। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। One eternity later. So, दोस्तों फाइनली हम जा रहे हैं घर की और हमारी लेमिनेशन जो है वो हो गई है डन। भाई साउंड थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि मैं रोड पे हूँ, देख सकते हो यार पूरी लेमिनेशन हो गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे काम, देखो पूरा वर्क बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।